नमस्कार दोस्तों, कोटडा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे सामने पानी पानी जो नज़र आ रहा है वो कालीबोर बांध का है, जिसके सामने एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर चढ़कर मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस बांध के बीचों बीच एक पहाड़ी हल्की सी बनी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप दूर तक देख सकते हैं इसका जो एक तरह बंधा हुआ है, कह सकते हैं कि पाल बनी है वो। और ये जो पूरा बांध है वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में बिखरा हुआ है, और इसका जो पानी है वो सही बांध में जाता है। अब कैसे जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कैमरे में देख सकते हैं कालीबोर बांध का पानी, और मेरे साथ एक दोस्त है जो कि आगे जाते हुए देख सकते हैं, और मैं इसके पीछे हूँ। ये जो है वो मैं इना मैग्रानो नाम है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ी है उसका बागमारिया नाम है। मैं जिस पर हूँ वहां पर नवहा मे खबीणन सिलाबिया वाला कोट ऐसा बोला जाता है। और आप दोस्तों देख सकते हैं आगे जो है वो कालीबोर बांध की पाल बनी हुई है, जिसको मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं जूम करूँगा आप देख सकते हैं पूरी पाल को। और ये जो है वो कालीबोर बांध का नज़ारा है। हालांकि पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते काफ़ी थकान हो चुकी है। ये पानी जो है वो तो कालीबोर डैम जो है या बांध जो है वो कुछ ऐसा दिखता है एक पहाड़ी पर से, इसको आप देख सकते हैं। ये ऐसा है, कैमरा जूम करने पर आप देख पाएंगे, और जैसे जैसे मैं कैमरा जो घुमाऊंगा तो आप देख पाएंगे। सामने आप पाल देख पाएंगे, कुछ शायद गेट का भी कुछ निशान बना हुआ है। और देखिए ये जो है वो है कालीबोर बांध, जो कि कालीबोर गांव के पिपला पंचायत में है, काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है, जिसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे भी काफ़ी इस तरीके से है ये। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है कालीबोर बांध, कोटडा तहसील की पिपला पंचायत की कालीबोर गाँव में। यहाँ पर नक्शा काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे भारत का नक्शा बना हुआ हो। आप अगर देखना चाहे तो ये इस तरफ गुजरात नज़र आ सकता है, ऊपर की साइड में जो एक पूरा बना हुआ है एक अलग ही नक्शा है इस तालाब का, इस बांध का, सॉरी ये तालाब नहीं है। पानी काफ़ी विस्तार में है लेकिन इस पानी का उपयोग जो है वो लोग नहीं कर पा रहे। सुनने मिला है कि लोगों को जो ज़मीन थी वो इस बांध में गई, वो उसका भी मुआवजा कम मिला, और लोगों ने मांग की थी ज़मीन के बदले ज़मीन लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिली। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और जगह के पास, आपको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार।